हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को कैसे पहचानते हैं, कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या होते हैं। तो आज हम लोग ये सब बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं आपको बात करूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, टू और मोर देन टू कंपोनेंट के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया, पानी में नमक डाल दिया, क्लियर है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। पानी में अल्कोहल डाल दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर होता है, उसमें रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में एक टर्म होता है सॉल्यूट, एक टर्म होता है सॉल्वेंट। तो हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं और कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। तो मैं जैसे बात करूँ कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो गए, या दोनों ही गैस हो गए, या दोनों ही सॉलिड हो गए, तो आप कैसे पहचानोगे क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसका अमाउंट कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जैसे देखिए, आप डेफिनेशन लिखी हुई है, द माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो माइनर कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ग्रेटेस्ट अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में आपको, कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम है, तो जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। और एक अगर मान लो फिजिकल स्टेट दोनों की अलग अलग है, तब आप कैसे पहचानोगे, क्लियर है। तो जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि मान लो पानी में मैंने नमक डाल दिया, तो अब पूछा जाएगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो जो डिजोल्व होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिजोल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट की एक और डेफिनेशन आ गई, द ए सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। जो किसी सब्सटेंस में जो डिसॉल्व होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो जिसमें डिसॉल्व होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो अगर आपने NaCl को पानी में डाल दिया, तो हमेशा NaCl ही सॉल्यूट होगा और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्लियर है। अगर आपने शुगर डाल दी वाटर में, तो शुगर क्या होगी, सॉल्यूट होगी, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि शुगर डिसॉल्व होती है और पानी में डिसॉल्व होती है, तो पानी सॉल्वेंट हो गया, क्लियर है। तो शुगर डिसॉल्व हो रही है और पानी डिसॉल्व कर रहा है। और मैं एग्जांपल बोलूं, पानी में आपने क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दी, शराब डाल दी, तब क्या होगा, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्कोहल पानी। अब दोनों में कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कैसे पहचानोगे। अब दोनों लिक्विड होते हैं, अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, तो जो कम अमाउंट में होगा यानी कम परसेंट होगा उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूट, और जो परसेंट ज्यादा होगा उसको क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में आपको, चलो ठीक है। तो एक और देखें, हम लोग आगे थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, देखो कंसंट्रेशन क्या होती है। तो पहले हम लोगों ने सीखा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। पहली स्टेप आपको पहचानना आना चाहिए क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। अब उसकी नेक्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द केमिकल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कंसंट्रेशन मतलब कितना किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। अब वो आप किसी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग कंसंट्रेशन पर कम टर्न पढ़ने वाले। तो सॉल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, वो आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, उसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन बहुत से टाइप की होती है, मोलैलिटी होती है, वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, मोलैलिटी होती है, ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन टर्म में आती है। तो वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन के बारे में देखा, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, कि कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या होते हैं, हम लोग कंसंट्रेशन कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, तो मोलैलिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मोलैलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं इसके में मोलैलिटी के बारे में, ये भी क्या होती है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आगे चल के हम लोग सब डिस्कस करते हैं। तो हम लोग और डिस्कस करते हैं, थर्ड नंबर
एक वेट बाय वॉल्यूम होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म होता है, वेट बाय वेट भी कंसंट्रेशन टर्म है। फिर हम नेक्स्ट एक पढ़ेंगे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी क्या होता है एक कंसंट्रेशन टर्म है। और आगे पढ़ोगे 6 नंबर पर तो पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। और हम लोग थोड़ा और आगे पढ़े तो एक चीज और इंक्लूड करेंगे तो आएगा मोल फ्रैक्शन, ये भी क्या है कंसंट्रेशन टर्म है। क्लियर है? तो वन बाय वन हम लोग सारे टर्म देखो पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको?